मोबाइल बाहर रखते हैं। गोभी पार्षद है, शीला पार्षद है, कुमुद बाबा पार्षद है, कनाल से दीपक रानी पार्षद। आपने भैजी जेल में आने का निर्णय लिया कि हमारी बहनों माताओं से मिलने के लिए, निश्चित रूप से कोई शब्द नहीं धन्यवाद करने के लिए मैं अपनी बहनों और यूं तो समाई है माँ मेरी सांसों में रख में, यूं तो समाई है माँ मेरी सांसों में रख में, मैं घर से दूर होता हूँ तुम आया होगा, हम आपका कार्यक्रम सेलिब्रेट करेंगे ताकि आपका दुख कम हो सके, कम हो सके। जय हिंद, जय भारत। माफी की बात हुई अधीक्षक साहब ने कहा, दरअसल ये जैसा मुझे लगता है ये एक अधिकारी की माफी नहीं है। ये आंसुओं को देखकर पिता की प्रतिक्रिया है। आज करवा चौथ के पावन पर्व पर जेल अधीक्षक महोदय के जिस तरह से निमंत्रण पर आज यहाँ करनाल जेल में आने का मौका मिला और इसमें हमारी सारी पार्षद बहनों ने यहाँ पर विजिट किया तो एक अच्छा सा कार्यक्रम बहनों ने रखा हुआ था। वाकई यहाँ आकर बहनों के दर्द का, यहाँ हमारे भाइयों के दर्द का पता चलता है कि किस तरह से जिंदगी के समय के चक्कर से गुजर कर किस तरह से समय बिताना पड़ता है और फिर भी हम अपने जेल अधीक्षक महोदय का इस बात में धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जेल में एक पारिवारिक माहौल बनाते हुए एक दूसरे के साथ जिस तरह से बिल्कुल सामाजिक सा माहौल बनाया हुआ है उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जेल एक ऐसी जगह है जो चाहे सोने की भी हो वो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर रहना और सभी का दर्द आज यहाँ देखने को मिला और विशेष तौर पर जिस तरह से परिवारों को जो शुभ अवसर पर याद करते हैं और वो त्योहारों के अवसर होते हैं उनमें इनका दर्द विशेष तौर पे झलका और फिर भी हमने इनसे आश्वासन दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके महिलाओं के लिए विशेष तौर पे जेल की सज़ा कम होनी चाहिए और उन्हें कुछ राहत अवश्य मिलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छे कोर्सेज महिलाओं के लिए या भाइयों के लिए शुरू किए हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे आगे इनको ज़िंदगी को बिताने में आगे जब ये समाज में बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छा इन्हें अवसर मिलेगा इस तरह के कोर्सेज को करके समाज के साथ जुड़ने का। और सबको शुभकामनाएं देते हुए आज करवा चौथ के अवसर पर सभी बहन भाइयों को, सभी करनाल निवासियों को बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई
द्रवित हो सकता है तो वो अधिकारी नहीं हो सकता, वो पिता हो सकता है शायद। इस काम के लिए धन्यवाद। आज करवा चौथ के मौके पर हम सब बहनों को यहाँ आने का मौका मिला। शायद ये इतने समय में मेरा ये करवा चौथ है जो बहनों का दर्द समझने का, क्योंकि हम लोग तो सभी अपने घर रहते हैं और भाई इनका क्या दर्द है, क्योंकि जेल तो वाकई में ही जेल है और इनके लिए यहाँ सुविधाएं बहुत दी गई हैं, इनको इतने कोर्स कराए गए हैं ताकि इनका जीवन आगे आने वाला सफल होगा, क्योंकि जेल में सिर्फ जेल को काटना ये बेहतर नहीं है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि इनको जल्दी आज़ादी मिले और इनका जीवन उज्ज्वल। आज करवा चौथ के अवसर पर करनाल शहर की जो मेयर हैं श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, उनके साथ जितने पार्षद आए हैं, ये महिलाओं के दुख दर्द और इनका सुख में सहयोगी देने आए। इनको आस इनको एक इन्होंने एक आस बंधाई है कि भी जेल अच्छे ढंग से काटी जाए और एक हौसले से काटी जाए ताकि इनका दुख कम हो सके। सजा के लिए हमने जो महिलाएं अच्छा काम कर रही है उनको आज 11 दिन की माफ़ी प्रदान की गई है। और हम मैं पूरे देशवासियों से और करनाल वासियों को भी इस शुभकामनाएं देता हूं। मैं थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मैडम को कि जो हमारे करवा चौथ के लिए यहाँ आए और हमारे यहाँ पे हौसला बुलंद किया और आश्वासन भी दिया है कि हमारे लिए जो भी वो करेंगी जेबंदी के बहनों के लिए, मतलब जो भी सहूलियत देंगी और रिलैक्सेशन एक मिलेगी हमें इस केस के अंदर और जो बाकी है और बंदी, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आगे वो सीएम के लिए भी बात करेंगे। निधि,